आवाज का एक बार देख लें, आवाज सभी को पहुंच रही होगी। तत्पुरुष समास में जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हमने व्यधिगण तत्पुरुष समास का पढ़ा था, और उसमें भी द्वितीय तत्पुरुष समास में जिसमें हमने उदाहरण देखे थे कृष्ण श्रित राम श्रित सुखातीत दुखातीत कूप पतित नर नरक पतित ग्राम गत है और ग्रम गत है विद्या विद्यालय अत्यस्त सुख प्राप्त दुख प्राप्त कष्टापन्न तो मित्रों बिल्कुल बहुत बढ़िया अब तक आवाज पहुंच गई है और अब मैं आगे की ओर बढ़ूं तो हमने आज जो विशेष रूप से यहां जो बात की थी तत्पुरुष समास में जिसमें हमने तृतीय तत्पुरुष समास के उदाहरण रखे हैं हरित्राते हरिनात्राते नखई भिन्ना नख भिन्न मासावरह मासेन अवरह मास पूर्व है मासेन पूर्व महीने से पहले मातृसदृश माता के समान मात्रा सदृश है पितृसम पिता के समान पित्रासम मासोनम मासेन ऊनम उड़द से कम और उसी तरह से हमने तृतीय तत्पुरुष समास में वाक कलह में लिखा था वाचा कलह गुणेन मिश्र में गुणेन मिश्र आचार निपुण आचार्येन निपुण ये समास विग्रह है ये समास पद है और वो समास का नाम है दद्योदनम दद्योदनम किसे कहते हैं दही मिला हुआ चावल तो दद्य उपसिक्तम ओदनम गुड़ धाना गुड़ेन मिश्र है धाना खड़ग हता है खड़ग से तलवार से मरा खड़गेन हता है बाण हते बाणेन हता है। इस तरह से मित्रों हमारे पास सारे के सारे तृतीय तत्पुरुष समास के ये उदाहरण है और अब बात करते हैं हम आगे की फिर आगे हम बढ़ते की ओर चलेंगे तो चतुर्थी तत्पुरुष समास की ओर चल पड़े तो मित्रों यहां पर हमारे पास में उदाहरणों की कमी नहीं होगी और हमें यह ध्यान रखना होगा कि सबसे पहले हमें समास पद लिख रहा हूं फिर समास विग्रह और फिर समास का नाम तो चतुर्थी में जब चलें और देखेंगे तो नंबर एक उदाहरण चल रहा है सबसे पहले यूपदार पाठशाला पाठशाला भिक्षाटनम और कुंभ मृतिका द्विजार्थ भूतबलि उदाहरण मेरे पास यहां जो रखे हैं हम बात उसी के करें यूप दारू यूप कहते हैं खंबे या हम विशेष रूप से पिलर को कहते हैं यूप दारू दारू का अर्थ होता है लकड़ी तो किसके लिए लकड़ी यूपाय दारू पाठशाला पाठ के लिए साला पाठाय साला पाकाय साला
पकाने के लिए साला, भिक्षायै अटनम, भिक्षा शब्द चतुर्थी विभक्ति स्त्रीलिंग शब्द है, भिक्षा शब्द में चतुर्थी में रमा का रमायै और भिक्षा का भिक्षायै बनता है। कुंभाय मृत्तिका, द्विजाय अयम, भूतेभ्य बलि, और सब में चतुर्थी तत्पुरुष समास है। सभी में टोटल में चतुर्थी तत्पुरुष समास यहां है। इसी तरह के उदाहरणों को हम और रखते हुए चलें तो हमारे पास में है काकबली, गोहितम, ब्राह्मण हितम, गो कृषक हितम, कृषक हितम, गो सुखम, ब्राह्मण सुखम, कृषक सुखम, इन सभी के सभी पे हम जाएं और यह हमें ध्यान रखना होगा कि काक बलि, काकेभ्य बलि, चतुर्थी तत्पुरुष समास होगा, कव्यों के लिए बलि, गोभ्य हितम, गायों के लिए हित, ब्राह्मणेभ्य हितम, ब्राह्मणों के लिए हित, कृषकेभ्य हितम, कृषकों के लिए हित, गोभ्य सुखम, गायों के लिए सुख, ब्राह्मणेभ्य सुखम और कृषकेभ्य सुखम। यहां पर जो शब्द यहां दिखाई दे रहे हैं उनकी बात करूं तो काकबली, गोहितम, ब्राह्मण हितम, कृषक हितम, गो सुखम, ब्राह्मण सुखम, कृषक सुखम, इन सभी शब्दों में चतुर्थी तत्पुरुष समास है। और सभी में वहीं पर हम अगला एक और रख लें, गोरक्षितम, तो गायों के लिए रक्षित, ब्राह्मण रक्षितम, तो ब्राह्मणेभ्य रक्षितम, कृषक रक्षितम, तो कृषकेभ्य रक्षितम। कहा ऐसी स्थिति में समास कौन सा हो रहा है? चतुर्थी तत्पुरुष समास हो रहा है। क्या है इसका मीनिंग वो भी समझ लीजिए कि
तदर्थ अर्थ बलि हित सुख रक्षित शब्द उत्तर पद में हो, उत्तर पद में हो तो चतुर्थी तत्पुरुष समास होगा। ऐसा ध्यान रखना होगा। और अगला यदि हम देखें यहां पर, तो अगला हम उदाहरण ले रहे हैं पंचमी तत्पुरुष का। पंचमी तत्पुरुष समास की बात करें तो यहां विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है कहां कहां पंचमी तत्पुरुष समास होगा। आइए नंबर एक, भय भी भीत भीति अपेत अपोड मुक्त पतित। अपत्रस्थ अल्पशय शब्दों का उत्तर पद में